फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तक आप लोग इतना सपोर्ट किया है हम लोगों को एंड वट एवर वी बीन एबल टू डू इट्स कम अक्रॉस थ्रू यू पीपल एंड आई लाइक टू थैंक यू गाइज फॉर दैट. अब इट्स जस्ट 3 वीक्स जो बाकी है फिनाले के लिए एंड समथिंग एज अनफॉर्चुनेट एज दिस टू हैपन टू अस इट्स जस्ट बैड. और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि ये छोटे में टल गया क्योंकि जिस तरह से ईशा गिरी इट कुड हैव बीन वर्स. तो बस जस्ट फील्स के मैं सब स्पेशली आर ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए, ईशा की रिकवरी के लिए दुआ कीजिए. हम लोगों ने आज तक जितना जी तोड़ लगा कर मेहनत की, जितना खून पसीना एक किया है, सब आप लोगों तक पहुँचने के लिए, आप लोगों तक हमारी क्रिएटिविटी लाने के लिए. एंड नाउ आई फील इट्स अ टाइम के वी नीड योर सपोर्ट कि इस बुरे दौर से गुजरने के लिए हमें बस आपकी मदद चाहिए. एंड रियली प्रे फॉर अस, वोट फॉर अस, क्योंकि अगर आप हमें आफ्टर 10 कंसेक्यूटिव 10 टाइम्स वी गॉट 30 ऑन 30 एंड नाउ वी आर जीरो तो बहुत ड्रामेटिक सीजन. आई थिंक जब मैं गिरी थी तब बहुत लोगों को इंटरेस्ट था कि मैं आई मीन दे वांटेड टू नो हाउ आई फेल एंड व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे. तो आई वुड जस्ट लाइक टू बेसिकली टेक यू थ्रू व्हाट हैपेंड. एंड तो एज यू नो कि इस हफ्ते झलक में वी हैव इंटरनेशनल वीक एंड तो वेगस से इंटरनेशनल डांसर्स आए हैं एंड हमको एक डांसर कॉल जेम्स दिया गया था. उनके साथ वी हैड टू डू कोरियोग्राफी एंड द फर्स्ट डे जब हमने जो प्रैक्टिस किया था देयर वाज वन मूव वेयर आई वाज गेटिंग थ्रोन एंड ही वाज सपोज्ड टू आई वाज सपोज्ड टू जस्ट कम आउट थ्रू द बैक एंड आई फेल टू फास्ट एंड ही वाज एबल टू कैच मी प्रॉपर्ली. द थिंग इज व्हाट हैपेंस इज ईशा के साथ आज तक मैंने जितने भी इंट्रिकेट स्टफ किए हैं हम लोगों ने बहुत ही इंट्रिकेट एंड डिफिकल्ट स्टफ किए. बट अगर मैं अपना राइट हैंड यूज़ करता हूँ कोई दिक्कत तो मेरा लेफ्ट हैंड हमेशा स्टैंड बाई में रहता है कि कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो गया तो मैं किसी तरह से आई कैन ग्रैब हर एंड यू नो गिराने से बचा सकूँ. बट आई थिंक अ प्रीवियस परफॉर्मेंस व्हाट वी डिड जेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल डांसर्स सॉ अस डूइंग अ लॉट ऑफ इंट्रिकेट स्टफ. तो शायद जेम्स को लगा होगा कि मी एंड ईशा टू बिल्ड अप दिस केमिस्ट्री यू माइट से और बिल्ड अप दिस अंडरस्टैंडिंग हमें 13 हफ्ते लगे. एंड नाउ सडनली इस हफ्ते अ फॉरेन बॉडी इज इंट्रोड्यूस. सो उनका वर्क ऑफ सेंस ऑफ वर्किंग, उनका सेंस ऑफ स्टाइलिंग, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. एंड टू गेट ऑल दैट गोइंग इन वन डे तो क्या हुआ कि वी ट्राइड दैट लिफ्ट. वो लिफ्ट बहुत ही सिंपल था जिसके अंदर ईशा को सपोज टू लिफ्ट हर, शी सपोज टू रोल डाउन द बैक एंड ग्रैब हिज लेग्स. तो वी ट्राइड इट 5 times. बहुत ही आराम से हम लोगों ने कोशिश किया कि आराम से स्टेप बाय स्टेप. So in that throwing more, my speed been more. Yeah, that's why I'm coming. क्योंकि towards after the 5 times he said कि चलो now let's do it the way it's supposed to be done. Let's increase the pace. तो जब वो pace increase किया, I was standing right there to spot. He was here. Isha did the flip. इसने just momentum से Isha को throw किया है. Isha went above and while coming down, instead of grabbing the legs, हाथ जैसे ज़मीन पे लगा in this way. And she just started screaming और 5 मतलब 1-2 सेकंड के लिए किसी को समझ में नहीं आया क्या करें. तो basically you're not supposed to touch when anybody has an impact and they fall. I knew this stuff because I've gone through it. तो मैंने ईशा को हर जगह से मैंने पहले कोशिश की कि देखूँ कहाँ पे क्या लगा है. Then I realized her entire bone is dislocated. तो I immediately called ईशा's physio और उनसे मैंने पूछा कि next procedure क्या. तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इस तरह से उठाओ उन्हें
और चेक करो कि शोल्डर सब ठीक है कि नहीं. मैंने चेक किया तो ईशा का शोल्डर वॉज इंटैक्ट, ओनली द एल्बो वॉज हर्ट. सो आई कैरीड हर एंड वी रैन टू अंबानी हॉस्पिटल. दैट वॉज वेरी फ्रीकी फॉर मी क्योंकि ईशा वॉज जोनिंग आउट, ईशा के ब्लैकआउट हो रहे थे. आई हैड टू कॉन्स्टेंटली लाइक कीप हर अवेक सेइंग रिलैक्स इट्स ओके. आई हैड टू कॉन्स्टेंटली कीप टॉकिंग टू हर. तो मुझे नहीं लगता ईशा को कुछ सुनाई दे रहा था बिकॉज शी वॉज इन एक्सट्रीम पेन. आई वाज इन एंड आउट, इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. आई डोंट थिंक मेरे नंबर वन मेरा पूरा करियर जो 15 साल से मेरा जो डांस करियर है, आई हैव नेवर हैड अ फॉल लाइक दिस. और जो जब मैं गिरी द पेन, आई नेवर फेल्ट, आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ पेनफुल इट इज. जस्ट बाय के आई वाज इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. आई वाज हियरिंग समवन, ईशा ईशा स्टे स्ट्रांग, एंड आई लाइक टूश, देन आई कम वेक अप, ईशा ईशा स्टे स्ट्रांग, एंड देन आई हैव फेंट अगेन. सो आई वाज इन एंड आउट द होल टाइम. अभी मैं थोड़ा स्माइल भी कर पा रही हूँ, उस वक्त oh my god, none of us could smile. उस वक्त it was just terrible. To see Isha in a state like that, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि it's like seeing a family member of mine going through that pain. Yeah, it was terrible. And to see the state, उनके हाथ का अगर कोई भी आपने से भी कोई उनका हाथ का अगर state देखा, maybe you would have even freaked out because an entire bone was sticking out. A good 2 inches out, a bone was taken out. So till the time, जब तक डॉक्टर आया नहीं, जब तक डॉक्टर ने painkillers दे दिए, तो हमारी तो जान में जान नहीं थी. Anyway, मैं बहुत lucky हूँ कि मैं अपने सर पर नहीं गिरी, तो आज मैं शायद आरती इधर होती और मैं अभी भी अंबानी हॉस्पिटल में ही होती. इसलिए I'm lucky, I'm grateful to God कि it's my elbow and not my neck. And sometimes small, you know, sometimes this is how accidents happen. कोई ऐसा सोचता नहीं है, अगर सोचते होते तो एक्सीडेंट होते नहीं है. तो दिस वॉज अ वेरी बैड एक्सीडेंट, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट. लेकिन सलमान और मैं बहुत कीन हैं कि वी आर फाइटर्स, बोथ हिम एंड आई. एंड हमने इन 12 हफ्तों में, एक्चुअली नाउ 13 हफ्तों से इस शो, एवरीथिंग वी हैव डन, हम सुबह से उठकर शाम तक हम सिर्फ इस शो के प्रैक्टिस में या कॉस्ट्यूम्स या मेकअप या हमारे परफॉर्मेंसेस के बारे में ही सोचते आए हैं. इसलिए पिछले 3 दिन से मैं जब घर पे ही अकेली लेटी हूँ, इट्स हॉरिबल. और मुझे घर पे रहना नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी मेरे शोल्डर में 3 फ्रैक्चर्स हैं और इनकी वजह से मिनिमम अभी तो 3 हफ्ता बोला है कि इस कास्ट के साथ, और एब्सोल्यूट बेड रेस्ट बोला है. लेकिन वी आर फाइटर्स एंड हम विश कर रहे हैं कि इस हफ्ते तो मेरे से परफॉर्मेंस होएगा नहीं, लेकिन अगर वोट्स हमें बचा सके और अगर लोग हमारे लिए वोट करें, और मैं पूरा कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि जैसा रिस्पॉन्स मुझे मिला है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं OPD पे गई थी, मैं व्हीलचेयर में थी और बहुत पेन में थी, और एक फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास था. OPD में अबाउट 30 पेशेंट्स फॉर डिफरेंट लेग एंड हैंड, डिफरेंट थिंग्स वो देयर. एवरीवन केम टू मी, ईशा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको क्या हुआ है, आप और सलमान इतने डिफिकल्ट स्टंट्स ट्राई करते हैं, कैसा हो गया ये, वी नीड यू टू विन झलक, गो फ्रॉम हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर. एंड जब ऐसा जब मैं सुनती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, और आई थिंक इट रियली गिव्स मी करेज कि इवन दो आई हैव 3 फ्रैक्चर्स, मैं स्टिल इच्छा करती हूँ कि अगर वोट्स मुझे बचा सके, क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ पहली बार इस मंच पे, इतने अच्छे स्कोर्स के बाद पहली बार इस मंच पे हमको बाई डिफॉल्ट 0 मिलेगा. इसलिए सिर्फ वोट्स हमें बचा सकते. ऐसा नहीं है कि 8 मार्क्स मिले, खराब मार्क्स मिले, हमको 9 मार्क्स मिलने वाले हैं. इसलिए सिर्फ वोट्स के मुताबिक अगर मैं सही हो जाऊँ, तो मैं फिर भी चाहती हूँ कि फॉर माई फैंस, फॉर द पीपल हू वॉच्ड अस, जो 13 हफ्तों से हमको जो सपोर्ट करते आए हैं, उनके लिए आई डेफिनेटली वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन स्टेज फॉर देम वन मोर टाइम. दैट्स माई स्टेटमेंट, दैट्स इट. या सो नाउ एनी ऑल ऑफ यू, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं या वन ऑन वन करेंगे? एनीबडी फ्रॉम फ्रेंड हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस, या सबको वन ऑन वन करना है? वन ऑन वन. सो वी विल इन द ऑर्डर आई ऑन गेम. आई थिंक Zoom वाज द फर्स्ट टू कम. सो Zoom, सलमान कैन स्टार्ट. हां, आप कटोरे ले लो तो कटोरे ले लीजिए. यू गाइस कैन बी टॉकिंग एंड इफ यू वांट सम वाटर यू शैल.
शो में आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है बिकॉज ये तो बड़ा एक्सपीरियंस है. तो आपको लगता है कि जब जजेस को पता चले गया जो शो का उन्होंने पता चला किस तरह के उनके रिएक्शन है और क्या उन्होंने कहा था. इनफैक्ट माधुरी मैम से आज सलमान आज ही मिले अभी इनफैक्ट मैं माधुरी मैम से मिल के आ रहा हूँ शेयर का हूँ. तो उनको जब इसके बारे में मैंने बताया तो शी इज़ वेरी अपसेट. शी इज़ वेरी अपसेट क्योंकि माधुरी मैम शी रियली अडोर्स बोथ ऑफ अस ऑन द शो. और वो कह रही थी कि नहीं दिस इज़ अनफॉर्चुनेट. वो बार बार उनका रिएक्शन ऐसे था कि नहीं विल नॉट हैपनिंग विल नॉट हैपनिंग. और बस जब तीन ही हफ्ते बाकी हैं एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज क्योंकि हम शायद सिर्फ दो ही ऐसे कपल्स बचे हुए हैं जिन्होंने पूरा सफ़र अब तक तय किया है फ्रॉम द स्टार्ट एंड एक्सक्लूडिंग द वाइल्ड कार्ड एंट्रीज. तो माधुरी मैम इज़ वेरी क्लोज टू अस थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी. और जिस तरह से मैंने उनको बताया शी वॉज जस्ट प्रेइंग एंड शी इज़ विशिंग ईशा ऑल द बेस्ट एंड शी जस्ट सेड के हर हार्ट इज़ विद अस. तो विशिंग अस ऑल द बेस्ट. शुक्रिया कि आज तक आप लोग इतना सपोर्ट किया है हम लोगों को एंड वट एवर वी बीन एबल टू डू इट्स कम अक्रॉस थ्रू यू पीपल एंड आई थैंक यू गाइस फॉर दैट. अब इट्स जस्ट 3 weeks जो बाकी है फिनाले के लिए एंड समथिंग एज अनफॉर्चुनेट एज दिस टू हैपन टू अस इट्स जस्ट बैड. और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि ये छोटे में टल गया क्योंकि जिस तरह से ईशा गिरी इट वुड हैव बीन Could have been worse. तो बस जिस फील्स के वजह से स्पेशली आर ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए ईशा की रिकवरी के लिए दुआ कीजिए. हम लोगों ने आज तक जितना जी तोड़ लगा कर मेहनत की है जितना खून पसीना एक किया है सब आप लोगों तक पहुँचने के लिए आप लोगों तक हमारी क्रिएटिविटी लाने के लिए. एंड नाउ आई फील इट्स अ टाइम के वी नीड योर सपोर्ट क्योंकि इस बुरे दौर से गुजरने के लिए हमें बस आपकी मदद चाहिए. एंड रियली प्रे फॉर अस वोट फॉर अस क्योंकि अगर आप हमें आफ्टर 10 कंसेक्यूटिव 10 टाइम्स वी हैव गॉट 30 ऑन 30 नाउ वी आर जीरो तो बहुत ड्रामेटिक सीजन. आई थिंक जब मैं गिरी थी तब बहुत लोगों को इंटरेस्ट था कि मैं आई मीन दे वांटेड टू नो हाउ आई फेल and what happened on that day. So I would just like to basically take you through what happened. And so as you know ki is hafte chhalak pe we have international week and to Vegas se international dancers aaye hain and humko ek dancer called James diya gaya tha. Unke sath we had to do a choreography and The first day, जब हमने जो प्रैक्टिस किया था there was one move where I was getting thrown and he was supposed to, I was supposed to just come out through the back. And I fell too fast and he wasn't able to catch me properly. The thing is what happens is Isha के साथ आज तक मैंने जितने भी intricate stuff किए हैं उन लोगों ने बहुत ही intricate and difficult stuff किए but अगर मैं अपना राइट हैंड यूज़ करता हूँ कोई दिक्कत तो मेरा लेफ्ट हैंड हमेशा स्टैंड बाई में रहता है कि कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो गया तो मैं किसी तरह से आई कैन ग्रैब हर एंड यू नो गिराने से बचा सकूँ. बट आई थिंक अ प्रीवियस परफॉर्मेंस व्हाट वी डिड जेम्स एंड ऑल द इंटरनेशनल डांसर्स सॉ अस डूइंग अ लॉट ऑफ इंट्रिकेट स्टफ. तो शायद जेम्स को लगा होगा कि मी एंड ईशा टू बिल्ड अप दिस केमिस्ट्री यू माइट से और बिल्ड अप दिस अंडरस्टैंडिंग हमें 13 हफ्ते लगे एंड नाउ सडनली इस हफ्ते अ फॉरेन बॉडी इज इंट्रोड्यूस्ड. So unka work of sense of working, unka sense of styling, everything is very different from us. Yeah. And to get all that going in one day, so kya hua ke we tried that lift.
वो लिफ्ट बहुत ही सिंपल था जिसके अंदर ईशा को सपोज टू लिफ्ट हर, शी सपोज टू रोल डाउन द बैक एंड ग्रैब हिज लेग्स. तो वी ट्राइड इट 5 टाइम्स. बहुत ही आराम से हम लोगों ने कोशिश किया कि आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप. लास्ट टाइम हमने फास्ट किया, ही सेड ही सेड ही इज गोइंग टू थ्रो मी मोर. So in that throwing more, my speed went more. Yeah, that's where I'm coming. Because toward after the 5 times, he said, "Okay, chalo, now let's do it the way it's supposed to be done. Let's increase the pace." So when the pace increased, yeah, I was standing right there to spot. He was here. Isha did the flip. Isne just momentum so Isha ko throw kiya hai. Isha went above and while coming down, instead of grabbing the legs, haath jaise zameen pe laga in this way. And she just started screaming और पांच मतलब एक दो second के लिए किसी को समझ में नहीं आया क्या करें. तो basically you're not supposed to touch when anybody has an impact and they fall. I knew this stuff because I've gone through it. तो मैंने ईशा को हर जगह से मैंने पहले कोशिश की कि देखूँ कहाँ पे क्या लगा है. Then I realized her entire bone is dislocated. तो I immediately called ईशा's physio और उनसे मैंने पूछा कि next procedure क्या. तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इस तरह से उठाओ उन्हें और चेक करो कि शोल्डर सब ठीक है कि नहीं. मैंने चेक किया तो ईशा का शोल्डर वॉज इन टैक्ट, ओनली द एल्बो वॉज हर्ट. सो आई कैरीड हर एंड वी रैन टू अंबानी हॉस्पिटल. दैट वॉज वेरी फ्रीकी फॉर मी क्योंकि ईशा वॉज जोनिंग आउट, ईशा के ब्लैकआउट हो रहे थे. आई हैड टू कॉन्स्टेंटली लाइक कीप हर अवेक सेइंग रिलैक्स इट्स ओके. आई हैड टू कॉन्स्टेंटली कीप टॉकिंग टू हर. पर मुझे नहीं लगता ईशा को कुछ सुनाई दे रहा था बिकॉज शी वॉज इन एक्सट्रीम पेन. आई वाज इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. आई डोंट थिंक मेरे नंबर वन मेरा पूरा करियर जो 15 साल से मेरा जो डांस करियर है आई नेवर हैड अ फॉल लाइक दिस. और जो जब मैं गिरी द पेन आई नेवर फेल्ट, आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ पेनफुल इट इज. जस्ट बाय के आई वाज इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. आई वाज हियरिंग समवन ईशा ईशा स्टे स्ट्रांग एंड आई लाइक टू देन कम वेक अप ईशा ईशा स्टे स्ट्रांग एंड देन आउट